कहते हैं विज्ञान के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी है। उदाहरण के लिए, एक तरफ जहां हमारा देश डिजिटल सुविधाओं की ओर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े अपराधों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड पुलिस ने चाइनीज फर्जी लोन ऐप के माध्यम से 300 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में बढ़ते साइबर ठगों के मामलों को देखते हुए साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले देहरादून की एक महिला ने बीते दिसंबर में अपने साथ फर्जी लोन ऐप के जरिए 17 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि भारत सरकार की NCPR पोर्टल पर भी फर्जी लोन ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी का शिकार हुए पीड़ितों की विभिन्न शिकायतें दर्ज हैं और उत्तराखंड में ऐसे 247 फर्जी लोन ऐप चल रहे हैं। इस मामले में 5 चीनी नागरिकों के नाम सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक इस धंधे में शामिल भारतीय नागरिकों को बदले में मोटा कमीशन दिया जाता है। वहीं एक बार लोन देने के बाद आरोपी पीड़ित से मोटा ब्याज वसूलते हैं और पैसे नहीं देने पर पीड़ित को मानसिक तौर पर परेशान किया जाता है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अभी तक की जांच में 300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, जो कि आगे और भी बड़ा हो सकता है। केवल उत्तराखंड में ही 200 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी है और उन्हें कहा कोई भी व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को संपर्क कर सकते हैं, ताकि समय पर साइबर ठगों से बचा जा सके।